बिल्कुल, देश भर की 58 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बिहार की 8 लोकसभा सीटें, झारखंड की 4 लोकसभा सीटें और दिल्ली के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली वासियों के दिल में क्या है, वोटिंग के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लक्ष्मी, अपने बिल्कुल एक बड़ी खबर है। 1 घंटे से छठे चरण की वोटिंग हो रही है और सुबह से ही वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बूथ के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है विभा। बिल्कुल, तो न्यूज 18 की दर्शकों से अपील है, अपने बूथ पर जाइए, वोट डालिए, वोट डालकर उस उंगली के निशान को दिखाइए, सेल्फी लीजिए और सेल्फी को भेजिए हमारे पास, जहां पर हम आपको सेल्फी की तस्वीर के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और क्योंकि देखिए 8 बजने वाले हैं और ऐसे में वोटिंग को शुरू हुए 1 घंटा जो है वो होने वाला है। बूथ के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है, मौसम सुहाना है, सुबह सुबह ही लोग सोच रहे हैं कि ऐसे समय पर जाकर के वोट डाल लेना चाहिए। इसके बाद मौसम थोड़ा सा बता दे आपको, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि सुबह ही वोट डाल दिया जाए। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली की लड़ाई इस बार दिलचस्प है और हमारी सहयोगी रचना हमारे साथ जुड़ने वाली है। रचना से भी जानेंगे क्योंकि दिल्ली की जब जंग की बात होती है तो बिहार के 2 लड़ाके हैं और बिहार के जब लड़ाके हो तो दिलचस्प लड़ाई हो जाती है। लंबे चौड़े दावों से इतर आज जनता क्या कर रही है ये समझने की भी कोशिश होगी और इसीलिए रचना से जुड़ना जरूरी हो जाता है। रचना, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि इस बार जहां दिल्ली के दिल में क्या है, लोग अपने वोट के जरिए ये तय कर रहे होंगे, तो किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान होना है और 1 घंटा मतदान को शुरू हो चुका है और लोग धीरे धीरे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वहां का भी नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए तो धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको इंतजाम दिखाई दे रहे होंगे और अंदर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है ताकि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा हो चुका है और जाहिर सी बात है कि लोग ठंडे में ही अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि गर्मी, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी चढ़ेगी, तो लोगों की कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द अपने वोट को डाल सके। कुछ लोग भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, गर्मी का भी सीजन है, आपने अपना वोट कर दिया है? जी कर दिया है, कर दिया। आप अपना मार्क दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वोट कर दिया है। सर, किन मुद्दों के साथ आप आज वोट करने आए थे? मेरे तो 2 ही थे, एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत है और दूसरा ये था कि हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे है और जॉब क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। यही 2 बस मेरे मेन इश्यूज यही थे। तो 2 मेन इश्यूज इनके थे कि जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। एक और भी आंटी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने वोट कर दिया आंटी? हाँ जी। क्या सोच के आप आई थी वोट करने? देश को बचाना है और विकास की तरफ आगे ले जाना है। देश की शान जिसने बढ़ाई है उसकी पूरी पूरी उसका सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। यूथ भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। आंटी, आपने वोट कर दिया है, क्या सोच के आई थी आप, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे जो सरकार करेगी वही। क्या लग रहा है? लग तो रहा कोई भी पार्टी है अच्छा करे बस। तो यहाँ पर लोगों को कहना है कि सिर्फ उनके मुद्दे पूरे होने चाहिए चाहे कोई भी पार्टी आए यहाँ पर। तो यहाँ अगर बात करें कई बड़े नाम भी हैं इस रण क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट सीट की बात अगर हम करते हैं, पर 7 लोकसभा सीटें और इन 7 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक ही सीट थी जहां पर मनोज तिवारी अपनी सीट बचा पाए, जहां बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा गया भरोसा जताते हुए। उनके सामने कन्हैया कुमार की चुनौती है और बिहार के लोगों की नजर दोनों पर होगी क्योंकि बिहार से दोनों का ताल्लुक है। तो जनता आज अपने मुद्दों के साथ जब पहुंची है तो वोट जरूर कर रही है और ये तय कर रही है कि भाई हमारे लिए सांसद कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे